छोटे थे और अपने गांव जा रहे थे। गांव जाते जाते रेलवे स्टेशन से जब उतरे तो सोच रहे थे कि घर को कैसा जाऊं। बाबा साहब के साथ उनका भाई भी था छोटा, बड़े गोरे थे बाबा साहब, बहुत ही सुंदर थे। तुम लोग तो ब्यूटी पार्लर जाते हो, फेयर एंड लवली क्या क्या लगाते हो, दुनिया के सामने तुम इतने खूबसूरत नजर नहीं आते हो जितना खूबसूरत मेरा बाप भीमराव डॉक्टर अंबेडकर था। वो जो टांगा लेकर जा रहा था उसको लगा गाड़ी वाले को कि बहुत उच्च वर्णीय लोगों का बच्चा है और चलो इसको लेकर चलो। गाड़ी में बैठ गए, चलने लगे और चलते चलते उसने पूछ लिया कि बेटा तेरा नाम क्या है। छोटा सा बाबा साहब भीमराव, बोला मैं भीमराव हूं। बोले किसका बेटा है? बोले राम जी अंबेडकर। जैसा सुना राम जी अंबेडकर, वो टांगे वाले ने टांगा रोक दिया और बोला उतार नीचे, नीचे उतार। बाबा साहब के जिंदगी का पहला अपमान। लेकिन उस समय भी ना डरते हुए बाबा साहब उस रथ वाले से और टांगे वाले से क्या कहते हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों की बरदोर तालियों की अपील करूं और थोड़ा सा पानी वगैरह पिला दीजिए। वासराची हो मला, हो मला, हो मला।
बहन ने मुझे बख्शीश दिया है 50 रुपए का, शुक्रिया। एक बार तो तालियां बजाइए इनके लिए। मेरी माँ ने बख्शीश दिया है। मैं जब मेरी माँ बहने 50-100 रुपए का बख्शीश जब देती है ना, तो ये मुझे टाटा बिरला और मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा अमीर नज़र आती है, क्योंकि मुकेश अंबानी का रिलायंस जो है ना पूरे भारत को खरीद सकता है, लेकिन किसी की ताकत नहीं कि बाबा साहब के बच्चों को वो खरीद कर दिख रहा है। बाबा साहब का ये रामजी अंबेडकर का ये सपूत, जिसको पानी की पीने की मोहलत नहीं थी, मेरी माँ ने, ये मेरी माँ है, तालियां बजाइए जरा, मेरी माँ भी आई है, ये उसी के दुआओं का साया है कि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। बाबा साहब को जिस समय अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन उसी बाबा साहब ने दुनिया के अंदर में कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। आज तो अंबानी और टाटा बिरला से भी अमीर लोग मुझे नजर आ रहे हैं। मजा लेना है मेरे भाई को। ये ताकत जिसे मिली वो पहलवान हो गया, ताकत जिसे मिली वो पहलवान हो गया, और दौलत जिसे मिली वो धनवान हो गया। ताकत जिसे मिली वो पहलवान हो गया, अरे दौलत जिसे मिली वो धनवान हो गया, ज्ञान के सागर से वही ज्ञानवान हो गया। खुश नसीब हो
मुझे भीम और बुद्ध क्या मिले, कल तक मैं मुर्दा था, आज इंसान बन गया, आज इंसान बन गया। मजा से रहने लगा। भदंत आनंद कौशल्यान और भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग जरा हाथ ऊपर करके दिखाओ, कितने लोग बैठे हैं। या एक बार अपने लिए जोर से तालियां बजाओ, डरना नहीं, ये कोरोना वायरस से डर जाने का नहीं, और हमको छोड़ के देश किधर जाने का नहीं। बंदी जी, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं कोई मनोरंजन करने वाला नहीं हूँ। एक होता राजा, एक होती रानी, खत्म जाली कहानी। ये कहानी मैंने खत्म ही कर दिया। मैं खाता भी बाबा साहब का हूँ और गाता भी बाबा साहब को हूँ। मुझे बनावटी काम पसंद है, क्योंकि मेरा गुरु राहुल अन्वीकर मुझे सीधा सीधा सिखा कर गया है। वो कहता है पीछे से वार नहीं करना, मारना है तो सामने से मार। बिल्कुल हाथ झरना, पिछले साल बहुत लोगों ने तालियां बजाई। काखे तो झरना, काखे तो पोर्ग, हाथ तो झरना, दोईवर सेना ची पाटी, कपड़ा न लत्ता, घर गट्टा भत्ता, फजी की होती माय मोटी। जिनको गाने का मतलब समझते हैं वो तालियां बजाते हैं। पुर्गो हाथ धरन दैवर सेना ची पाटी, घर घट्ट भत्ता, कपड़ा में लत्ता, घर घट्ट भत्ता, फजीती होती मैं मोटी। बाई मैं अभिमान, बाई मैं अभिमान, बाई मैं अभिमान। तालियां नहीं बजाओगे आप लोग यार? भाई मैं अभिमान, अभिमान माए सोने न भरली, भाई मैं अभिमान, अभिमान माए सोने न भरली, भाई मैं अभिमान, अभिमान माए सोने न भरली। काखे तो पोर्गो हाथ तो धरना, काखे तो पोर्गो हाथ तो धरना, देवर सेना की पाटी, कपड़ा न लपटा, घर कट्टा भत्ता, होती माय मोटी। दादा जरा कॉर्डलेस देते क्या, थोड़ा सा चालू है ना। भाई मैं अभिमान, भाई मैं अभिमान, अभिमान पाए सोने न भरली, भाई मैं अभिमान, अभिमान पाए सोने न भरली, भाई मैं अभिमान, अभिमान पाए सोने न भरली। त्यांच्या कृपेने मी या मंचावर येऊ शकलो, पुढचे भ्रमे घेऊ शकलो। ते आमचे बंधू शलभराव, आमचे बंधू साहेबराव सिरसाट, त्यांच्या कृपेने मी अनेक लोकांपर्यंत जाऊ शकलो। त्या साहेबरावजी सिरसाट यांच्याकरिताही जोरदार टायांचा गदर करा। ये बुद्धिमित्र वाटी धर्म का काम करता है, बोलता है
आताच्या सुना शिकले सवरलेले आहे, आताचे पोरं शिकले सवरले आहे, ते आपल्या आई वडिलांना सासू सासऱ्यांना काय सांगते तुले काय समजते? अबे ज्याने बाबासाहेब बुद्ध समजले त्याने तू सांगण्याला तुले काय समजते? 18-19 वर्षाच्या पोरांना विचारा त्रिशरण पंचशील येते का रे? माहित नाही, कारण विहारात जाते कोण? 60 वर्षे आमच्या आईबाई 18-19 वर्षाचे लोक विहारात कोण? गायब झाले। अरे विहारात जाल तेव्हा माहित पडेल। बाई माय अभिमान चाहिए। बात समझ रही है ना? अरे तुम देते नहीं, कम से कम तालियां तो बजाओ। बाबा पायली व सायकल माया पोराले आली फटफटी। याच्या बापान नाय पायली व सायकल, याच्या बापान नाय तुमच्या बापान नाय, कारण माझा बाप माझा मोठे वडील एम्प्रेस मिल मध्ये जेव्हा जात होता सायकल होती 24 इंची मोठ्या शिवची आहे ना, आपल्या पूर्वजांनी सायकलही कुठे पाहिले रे? आणि म्हणून माझ्या बापान नाय पायली व सायकल, माझ्या बापान नाय पायली व सायकल, पोराले आली फटफाटी, तुमच्या पोराले आली फटफाटी। 10वी पास झाला का पोरगा म्हणते आई? 10वी फर्स्ट क्लास पास झालो, मले गाडी घेऊन दे। पहिले म्हणते गाडी घेऊन दे, 10वी पास झाला का गाडी, आणि 12वी पास झाला का गर्लफ्रेंड, आहे ना आपल्या पोरांच? माझ्या बापान नाही पायली व सायकल, पोराले आली फटफटी, आमच्या पोराले आली फटफटी। मी हे का सांगतो? अरे कधी विचार केला का रे? आमचे भिक्षू संघ, अरे कोणत्या तरी कुटुंबाशी निगडीत होते, घरदार सोडलं, नातेवाईकांना सोडलं, फक्त बाबासाहेबांच्या प्रबुद्ध भारताचं स्वप्न साकार करण्याकरता विहारातून चारिका करत असतात, भारतभर फिरतात, कशासाठी रे? बुद्ध धम्माचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी। तुम्ही घरी बसून टीव्ही पाहता, सास भी कभी बहू थी माझ्या नवऱ्याची बायको, बंद करा, भारताचं संविधान बुद्धाने त्यांचा धम्म वाचा,
मच्छीम निकाय दीघ निकाय मिलिंद प्रश्न वाचा तुमचे पोरकाव जेठालाल तयार होऊन राहिले याच्यामुळे होत आहे. आज जेठालाल बाप चपकला आणि नातू पोपटला. माया बापान नाय पायली व सायकल पोराले आली फटफट. माया पोराले आली फटफट. पायी मय भीमान पायी मय भीमान कपड़ा न लगता खरकता भत्ता भाजी की होती मैं मोदी. चलो तालियों से गाने को खत्म करो. भाई मैं अभिमान भाई मैं अभिमान अभिमान माय सुनिया न भरली भाई मैं अभिमान. सभी माँ बहनों से मैं दरख्वास्त करूँ आई जरा बसूं था दोन मिनट तुमच्या साठी गाता हूँ. महिलाओं से मेरी खास विनती है आप लोग बैठे ये गाना आप लोग सुनिए सर और इस गाने के बीच में आपस में आप लोग चर्चा ना करें क्योंकि बहुत ये गाना बड़ा मार्मिक है. धम्म क्या होता है धम्म की आग क्या होती है बाबा साहब की जयंती कैसी होती है धम्म को कैसे बढ़ाया जाता है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ. जरा आप लोग सुकून और शांति का एहसास लेकर बैठे कोई आपस में वार्तालाप न करे चर्चा न करे. बाबा साहब के धम्म को जिन लोगों ने आत्मसात किया जो समझते हैं आप लोगों से विनती है कि कृपया बैठ जाइए और चर्चा न करें इस गाने के अल्फाज को एक एक शब्द को सुने. भाई आपस में बात ना करो प्लीज. उस आदमी की जमाना मिसाल देता है जो हंस करके हर एक गम को टाल देता है. कमरे में आफताब सजाने की जिद में था. कमरे में आफताब सजाने की जिद में था और एक ऐसा ही मंजर दिखाने की जिद में था. और कल जो बच्चा रो रो के मर गया अपनी माँ के कब्र पर शायद वो अपनी माँ को जगाने की जिद में था. शायद वो अपनी माँ को जगाने माई मौलाना एका गावा मध्ये एक माऊली रात होती तिला नातेवाईक कोणीच नव्हतं काका नाही मामा नाही तिला एक मुलगी होती. मुलीला मोठं केलं आणि मोठं केल्यानंतर तिचं लग्न लावून दिलं. लग्न झालं मुलगी आपल्या घरी गेली आणि ऐन 14 एप्रिलच्या 2 दिवसाआधी सासरच्या मंडळीने तिच्या अंगावर राकेल घातलं आणि तिला पेटवून दिलं. ती माय माऊली दवाखान्यामध्ये आहे तिला माहित आहे की माझा शेवट समीप आहे मी मरणार आहो. पण मरत असताना तिच्या मनातील इच्छा ती गावच्या लोकांना सांगते. लक्ष दे
माफ़ी अंतिम श्वास नजर होगी
रवि धीमा पीछे अंतिम आई थी सारी होने के तरीकी कारण थे जबो मजु साड़ी चोरी प्रभु दे सजली गाड़ी शनि शेवट ता पाही आई तुझी गलाड़ी प्राण जुत भावी माझी हो प्राण जुत भावी माझी चिरंतन भीम पड़ती शायर मुनव्वर राणा कहते हैं कि माँ क्या होती है, किसी को घर मिला नसीब में, किसी को घर मिला नसीब में, किसी के हिस्से में दुकान आई, अरे घर में मैं अकेला लड़का था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई, मेरे हिस्से में मेरी माँ। बाबा साहब को बाप मानने वाले लोगों, बाबा साहब ने तुम लोगों के लिए बाप का फर्ज निभाया तो माँ का भी फर्ज निभाया है। बाबा साहब के लिए मैं क्या बोलूं, ना क्या ला ना क्या लाज मनु उतनी ही मेहनत इस देश की राष्ट्रमाता रमाई की है। उस रमाई के लिए पुरजोर एक बार तालियां बजाओ। एक बच्चे को पालने से डरने वाले लोग गड़बी न्याची बलावा एक बड़ा साकी गड़बी न्याची बलावा एक बड़ा साकी कभी लड़ कभी मर असे शीरी होती कभी लार कभी मर असे शीरी होती हिमाई चमावली ना रमाई चमावली ना किम या केली मोटी ना एक टीन घर विले पीले कोटी कोटी एक टीन घर विले पीले कोटी कोटी तुझला सफा सफा